जय श्री राम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे नर के भागी अजामिल को कैसे मोक्ष मिला। अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह बड़ा कर्तव्यपरायण, पुण्यात्मा, विनयशील, सत्यवादी और वैदिक क्रियाकलापों को नियमपूर्वक नित्य करता था। एक दिन पिता की आज्ञा अनुसार वह पूजन के लिए फल फूल समीदा और कुश लाने जंगल में गया। लौटते समय दस्यु कन्या के साथ उसे रास्ते में एक शूद्र मिला। बहुत रोकने पर भी अजामिल दस्यु काम्या पर मोहित हो गया। उस दस्यु कन्या को पाने के लिए उसने अपनी सारी पैतृक संपत्ति खर्च कर डाली और अंत में अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर उस दस्यु कन्या को रख लिया। उस शूद्र से कई पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। बुरी संगत में पड़कर अजामिल अपने गुणों और पुण्य कर्मों को भूल बैठा। अपनी नववधू और बच्चों का पालन करने के लिए वह बड़ा पाप कर्म करने लगा। अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बहुत प्यार करता था। अजामिल का अंत समय आ पहुंचा। यह जानते हुए भी उसका मन अपने सबसे छोटे लड़के नारायण में लगा हुआ था, जो उस समय कुछ दूर पर खेल रहा था। इतने में उसे हाथ में यम फांस लिए तीन कराल यमदूत आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही डर के मारे अजामिल ने अपने छोटे लड़के को नारायण नारायण कहकर बुलाया। नारायण का नाम मुंह से निकलते ही उसी क्षण वहां पर विष्णु पार्षद प्रकट हुए। जिस समय यमदूत अजामिल की जीवात्मा खींच रहे थे, तभी यमदूत ने विष्णु पार्षदों से पूछा कि हमारे इस उचित धर्म में बांधा डालने वाले आप कौन हैं। इस पर तेजस्वी विष्णु पार्षदों ने हंसकर पूछा, धर्म क्या है? क्या तुम्हारे स्वामी यमराज को सब कर्म करने वाले जीवों को दंड देने का अधिकार है? क्या इस काम में कोई भेदभाव नहीं है? इस तरह धर्म क्या है पूरा वृतांत यमदूतों को समझाया और कहा कि इसने मरते समय भगवान नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यह हमारे साथ बैकुंठ धाम जाने का अधिकारी है, कृपया करके आप इन्हें छोड़ दें। सारा वृतांत सुन अजामिल को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ और वैराग्य उत्पन्न हो गया। अंत में विष्णु पार्षदों ने अजामिल को यमफास से छुड़ाकर अपने साथ नारायण धाम को ले गए। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।